नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल गुजरात अहमदाबाद में जो बाबा साहब ने सपना देखा था बुद्ध में भारत का, उसको लेकर एक बड़ा आयोजन है और उसमें जो कर्ता धरता है विपिन कुमार भारती है, वो मेरे साथ हैं। विपिन, विस्तार से बताइए कल अहमदाबाद में क्या प्रोग्राम है। जी, सभी साथियों को मेरी तरफ से सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमोद्धाय। कल पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारी फाउंडेशन विकसित भारत निर्माण संघ एवं गुजरात में मात्र छाया एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से, जिसका टाइटल है कि संविधान, विज्ञान एवं धर्म से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। अब ये जो तीनों इसमें मुख्य टॉपिक लिए गए हैं, संविधान, विज्ञान और धम्मा, तो अगर हम अपना पूरा ऐतिहासिक जो संघर्ष देखते हैं तो कहीं ना कहीं तीनों ही बातें आपस में इंटरलिंक है। लेकिन मेरे जो पिछले 10-15 सालों का अनुभव रहा है, और आप भी बहुत समाज में बहुत एक्टिव हैं, तो आप जानते हैं कि सारे के सारे अंग काम जरूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इंटर कम्युनिकेशन का आपस में कहीं ना कहीं अभाव सा दिखता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा प्रयास किया गया है कि समाज के वो सारे अंग जो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि संवैधानिक संस्थाएं हो गए या संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पावर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा एक विंग है जो विज्ञान अर्थात एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या साइंटिफिक टेम्पर से काम कर रहा है, और तीसरा धम्म के ऊपर काम कर रहा है। अगर इनका आपस में एक सामूहिक तरीके से एक विचार निकल के आएगा तो हम सफल होंगे अपने उस विजन में जो बाबा साहब ने देखा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। तो जो अहमदाबाद के लोग हों, अगर वो भी शरीक होना चाहते हो तो वो कहाँ आए, कहाँ का प्रोग्राम स्थल है और कौन कौन लोग मेहमान हैं? जी, कल ये गांधीनगर के सेक्टर 12 में अंबेडकर हॉल में हो रहा है। सुबह प्रातः 9:30 बजे से कार्यक्रम है, और किसी भी रूट से सीधे आ सकते हैं। सेक्टर 12 आप GPS में डालेंगे तब भी पहुंच सकते हैं वहां पर। और स्वागत है अहमदाबाद के और आसपास के सभी लोगों का, सभी साथियों का, नेशनल दस्तक के जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पर, उन सभी का स्वागत है। वो इजीली आ सकते हैं, कोई इसमें ऐसे दिक्कत नहीं होगी। मेहमान कौन लोग हैं जी, कौन कौन लोग मेहमान हैं आपके? कल जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है, आदरणीय नंद कुमार बघेल जी हैं, वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में बहुत ही गर्मामय उपस्थिति है परम वंदनीय भंते करुणाशील राहुल जी की, वो आ रहे हैं। और दिल्ली से जो कैबिनेट मिनिस्टर हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, उनकी उपस्थिति है। और गुजरात से जो IPS हैं अनिल प्रथम साहब, वो भी काफी समय से सक्रिय हैं गुजरात में, उनको भी हमें सुनने का मौका मिलेगा। और एक क्योंकि इंटरनेशनल वुमन डे है तो ये दिमाग में आया था कि महिला प्रतिनिधि को भी जोड़ा जाए, तो एक मीना कोटवाल जी हैं दिल्ली से, उनको भी आमंत्रित किया गया है, वो पहुंच गए हैं गुजरात में। तो और एक आखिरी सवाल विपिन की, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का बड़ा ही बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों चीजों को कनेक्ट करके कॉन्फ्रेंस का एक सपना जो देखा है और वो एक कॉन्फ्रेंस के तौर पर जनता के सामने आया है, तो पीपल्स आर रियली वेरी एक्साइटेड। वो बहुत पॉजिटिवली वो आने के लिए आतुर है। मेरे पास में गुजरात के कोने कोने से फोन आया है, जो हमारे दूसरे साथी हैं मात्र छाया एजुकेशन ट्रस्ट, उनके पास में भी काफी सारे कॉल आए। और मुझे उम्मीद है कि गुजरात के आसपास के एरिया से भी कल लोगों के आने की बहुत उम्मीद है। और आपके खुशखबरी बता रहा हूँ विपिन जी, KP चौधरी साहब, ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST, वो भी कल अहमदाबाद में है। क्या बात है, ये तो रियली में बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, रियली वेरी। चाहता हूँ कि आप मेरे साथ है, वो इनवाइट जरूर करें सर राजीव सर सचिव जी 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 बड़ा पूरा। चलिए, जय भीम नमोद्धाय। जय भीम नमोद्धाय सर, बहुत बहुत सादर। पहले तो बधाई कल के कार्यक्रम के लिए। कल सौभाग्य से मैं भी अहमदाबाद में एक प्रोग्राम को एड्रेस करने जा रहा हूँ जी सर। मैं कोशिश करूंगा कि राजेंद्र पाल गौतम हमारे भाई हैं, ऑलरेडी मैं सुन रहा था कि वो भी कल आ रहे हैं एक प्रोग्राम में, है ना जी सर। तो मैं जी भी सर। समय निकाल करके, कितने बजे शुरू होगा आपका प्रोग्राम सर? ये सुबह 10 बजे स्टार्ट है एग्जैक्टली, और 9:30 का टाइमिंग है, 10 से 2 बजे तक का पहला सेशन है। 2 से 2 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। दूसरा सेशन भी है सर, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अवार्ड वगैरह, वो शाम को है, 5 बजे तक चलेगा।
अच्छा 5 बजे तक चलेगा, ठीक है जी। मेरी कोशिश होगी, राजेंद्र पाल गौतम जी से मैं बात कर लूंगा अभी, ठीक ओके जी। मेरा फ्लाइट है मेरे ख्याल 8:45 पर बिस्तारा है, क्या निकले मेरे 7:15 दिल्ली से है मेरा फ्लाइट, तो मेरे ख्याल 8:30 बजे हमारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर अहमदाबाद आएंगे, ठीक है ना जी। तो उसके बाद मैं उस प्रोग्राम को एड्रेस करूंगा, उसके बाद कोशिश करूंगा आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने की, और आपको बहुत बधाई सर। ये बहुत खुशी की बात है और मैं पर्सनली भी आपको आमंत्रित करता हूँ एज ए आयोजक के तौर पर भी, कि आपकी उपस्थिति आएगी तो हमारे लिए रियली बड़े गौरव की बात। पूरी कोशिश होगी कि मैं ज्वाइन करूँ, ठीक है सोशल कॉज के लिए। अगर किसी तरह संपर्क करना है सर आपके वहाँ के साथी हैं उनका नंबर भी अगर शेयर हो जाएगा तो मैं कॉन्टेक्ट भी करूँगा। मैं मिस्टर एन आई चावड़ा है, आप लिखना चाहे नंबर उनका लिख लीजिएगा, मिस्टर एन आई चावड़ा अवर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट इज दियर, ठीक है ना जी जी। आप चावड़ा साहब का आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना जी सर। वो मैं आपसे संपर्क करता हूँ, शुक्रिया। और ये कारवा आगे बढ़ता रहे, हम लोग की लगातार कोशिश है और ये बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रोग्राम एक बार फिर से डिटेल बता दीजिए कि बुध में भारत का जो सपना है वो भी गुजरात में, कितनी बड़ी चुनौती थी ये इस आयोजन को करना। देखिए वैसे आपने बिल्कुल सही थोड़ा सा फोकस डाला है जो शब्द के ऊपर, और मैं समझ सकता हूँ शब्द में बड़ी गहराई है। तो चुनौतियां तो निश्चित तौर पर रहती हैं, मैं पिछले 10 सालों से यहीं पर हूँ और आसपास के गांव क्षेत्र देहातों में बहुत जाने का मौका मिला है। तो गुजरात के अंदर में काफी पोटेंशियल है, ये मुझे वहां जाके पता लगा। लोग रियली में कुछ चाहते हैं कि वो शरीक हो पाए किसी बड़े आयोजन में, किसी बड़े आंदोलन में। तो अगर डीपली अंदर जाएंगे तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है गुजरात के काफी लोगों से। हालांकि चुनौतीपूर्ण तो हमेशा रहता है, पर वही बात है कि अंबेडकरवादी लोगों के लिए चुनौतियां कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हमें भी सब प्रेरणा मिलती है हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं सर उन सबको देख के। तो वही सब एक संबल का काम करता है। और कार्यक्रम फिर वही है कि सुबह 10 बजे से है और संविधान विज्ञान धर्म से ही विकसित भारत निर्माण संभव है, ये एक ऐसा विचार लेकर कॉन्फ्रेंस में रखा गया। शुक्रिया विपिन, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें बताया। तो संविधान धम्म ये दो बड़ी चीजें हैं, समझना पड़ेगा आपको। ये सम्राट अशोक की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, फुले प्रियार अम्बेडकर की धरती है, जिन्होंने मजबूत राष्ट्र बनाया है। और इस राष्ट्र को अगर विकसित बनाना है, डेवलप बनाना है, तो बहुजनों को कंधे से कंधे मिलाकर जाना होगा। तो प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा रखा है आपने, एक बार से रिपीट, मतलब क्या रखा है? धम्म संविधान, और संविधान विज्ञान एवं धम्म से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। सोचिए संविधान, धम्म और विज्ञान, तो क्या समावेश है। शुक्रिया विपिन और इस कार्यक्रम को करने के लिए। और आप लोग भी नेशनल दस्तक पर लाइव देख सकते हैं कल, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर, मिस मत कीजिएगा। शुक्रिया विपिन जी, ओके थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।